सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मंडी खबर में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है जिन्सों का बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे सरसों, मूंग, ग्वार और मोटे अनाज की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के बाजार भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे, लेकिन आइए सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। ज्यादातर मंडियों में कमजोरी के साथ हुआ सरसों का कारोबार। जयपुर मंडी में दर्ज हुई 113 रुपए की गिरावट। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सरसों के बाजार से ही। बताएं आपको कि कृषि उपज मंडियों में इन दिनों सरसों की जो आवक है वो बिल्कुल सामान्य सी बनी हुई है। इसके बाजार भाव की बात करते हैं तो बुधवार को सरसों के सौदों में नरमी देखने को मिली और ज्यादातर मंडियों में भाव जो है नीचे भी आए। जयपुर मंडी का जिक्र किया जाए तो यहाँ पर 113 रुपए की भारी गिरावट दर्ज की गई, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान तेजी भी देखी गई। सरसों के कारोबार पर पेश है रिपोर्ट। बुधवार को सरसों के सौदों में कमजोरी देखने को मिली, जबकि कुछ मंडियों में भाव तेज भी रहे। राजस्थान की जयपुर मंडी में 113 रुपए की गिरावट दर्ज हुई। एग्वाट नेट के मुताबिक यहां 11 जुलाई को सरसों का भाव 4,888 रुपए था, जो 12 जुलाई को 4,775 रुपए क्विंटल रह गया। गुजरात की राजकोट मंडी में भी कमजोरी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 11 जुलाई को सरसों 4,750 रुपए क्विंटल पर बिकी। 12 जुलाई को 20 रुपए गिरकर इसका भाव 4,730 रुपए क्विंटल रह गया। उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में भी गिरावट का सिलसिला जारी रहा। यहाँ 11 जुलाई को सरसों का भाव 5,580 रुपए था, जो 12 जुलाई को 55 रुपए घटकर 5,525 रुपए क्विंटल रह गया। जबकि उत्तर प्रदेश की फतेहपुर मंडी में बढ़त के साथ सौदे हुए। यहां 11 जुलाई को सरसों का भाव 5,450 रुपए था, जो 12 जुलाई को 5 रुपए की मामूली तेजी के बाद 5,455 रुपए क्विंटल हो गया। इस साल सरसों की रिकॉर्ड पैदावार का अनुमान है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक 2022-23 के दौरान 124,94,000 टन सरसों पैदा हो सकती है, जबकि पिछले सीजन की पैदावार 119,63,000 थी। ये साल तिलहनी फसलों के लिए अच्छा साबित हुआ है और देश में इनकी पैदावार भी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक 2022-23 के दौरान कुल तिलहन की पैदावार 409,96,000 टन हो सकती है, जो पिछले साल की तुलना में 30,33,000 टन अधिक है। आपको बता दें कि बीते साल तिलहनी फसलों की उपज 379,63,000 टन रही थी। तो अभी आपने जाना कि किस तरह से सरसों के बाजार में हो रहा है कारोबार। बता दें आपको कमोडिटी एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं, रवि जी फोन लाइन पर। आइए इनसे जान लेते हैं कि आगे क्या जो माहौल है वो किस तरह से रह सकता है। रवि जी, सबसे पहले तो स्वागत आपका मंडी खबर में। जानना चाहेंगे सरसों के बाजार को लेकर आपकी प्रतिक्रिया क्या रहेगी। सरसों के दामों में काफी एक सीमित दायरा देखने को मिल रहा है। आने वाले समय में सरसों के दामों में एक अच्छी तेजी का माहौल बन सकता है। खास तौर से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक सरसों के दामों में कम से कम
12 से 15 प्रतिशत तक की तेजी देखने को मिल सकती है। अभी स्टॉक थोड़ा सा सामान्य है, इसकी वजह से दामों में ज्यादा उतार और चढ़ाव का माहौल देखने को नहीं मिल रहा, लेकिन लंबे समय में एक तेजी का माहौल बनता हुआ नजर आ सकता है। बिल्कुल, तो लंबे समय में यहाँ पर तेजी का अनुमान है, तो ऐसे में हमारे किसान थोड़ा इंतजार करके चलें। सलाह क्या रहेगी आपकी? किसान भाई बहनों को अगर सरसों का स्टॉक है तो थोड़ा रुकना चाहिए, और ख़ास तौर से सितंबर और अक्टूबर में मंडी का रुख करना चाहिए, क्योंकि तब तक दामों में 10% की तेजी की उम्मीद है, और अगर ऐसा होता है तो वहां पर आपको अच्छा मुनाफा मिल सकता है। बिल्कुल, तो थोड़ा सा इंतजार जरूर करके चले हमारे सरसों के किसान। और इसी के साथ रवि जी आपसे गुजारिश, आप बने रहिए हमारे साथ, बुलेटिन के दौरान हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे, रुख करते हैं बाकी की सुर्खियों का। बुधवार को मूंग के बाजार में रही सुस्ती, कुछ मंडियों में स्थिर रहे बाजार भाव। उत्तर प्रदेश की मंडियों में 2200 रुपए के ऊपर बिकी जौ, जयपुर मंडी में 1647 रुपए रहा बाजार भाव। बुलेटिन में अब बात मूंग की। बताएं आपको कि बुधवार को ज्यादातर मंडियों में मूंग का जो कारोबार है वो कमजोरी के साथ हुआ। राजकोट, अलीगढ़ और लखनऊ मंडी में गिरावट दर्ज की गई, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान मूंग के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। मूंग के कारोबार पर पेश है ये विशेष रिपोर्ट। बुधवार को ज्यादातर मंडियों में मूंग के सौदे गिरावट के साथ हुए। एग्वाक नेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में 11 जुलाई को मूंग का भाव 8,250 रुपए रहा, 12 जुलाई को ये 50 रुपए घटकर 8,200 रुपए रह गया। वहीं उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मंडी में 11 जुलाई को मूंग का भाव 7,765 रुपए था, जो 12 जुलाई को 5 रुपए गिरकर 7,760 रुपए क्विंटल रह गया। उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी में भी मूंग के कारोबार में कमजोरी का सिलसिला जारी रहा। यहां 11 जुलाई को मूंग का भाव 7,955 रुपए था, 12 जुलाई को यहां भी इसका भाव 5 रुपए टूटकर 7,950 रुपए क्विंटल पर रह गया। उत्तर प्रदेश की सहारनपुर मंडी में मूंग के सौदे स्थिरता के साथ हुए। यहां दोनों ही दिन यानी 11 और 12 जुलाई को इसका भाव 8,560 रुपए क्विंटल दर्ज किया गया। दूसरी ओर घरेलू स्तर पर इस साल मूंग की रिकॉर्ड पैदावार हो सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान मूंग की उपज 37,40,000 टन रहेगी, जबकि साल 2021-22 में यह आंकड़ा 31,66,000 टन था। यानी इस बार मूंग की उपज में 5,74,000 टन की बढ़ोतरी का अनुमान है। बात दलहन की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल कुल दलहन की भी रिकॉर्ड पैदावार का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2022-23 के दौरान कुल दलहन की पैदावार 275,04,000 टन होने की उम्मीद है, जो पिछले साल के 273,02,000 टन की तुलना में 2,02,000 टन अधिक है। भी आपने जाना आगे आगे आने वाले दिनों में किस तरह का माहौल रह सकता है, जानकारी के लिए फिर से रुक करते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का। रवि जी, मूंग को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे यहाँ पर? मूंग की डिमांड इस समय काफी हद तक एक सीमित देखने को मिल रही है। खास तौर से उत्तर प्रदेश की मंडियों में देखें तो दामों में थोड़ा सा गिरावट का रुख है, स्टॉक यहाँ पर बढ़ा है और अभी बहुत ज्यादा उतार और चढ़ाव का माहौल देखने को नहीं मिलेगा। खास तौर से उत्तर प्रदेश की अलग अलग मंडियों में देखते हैं तो आवक ठीक ठाक है और खास तौर से डिमांड कम देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत ज्यादा उतार और चढ़ाव नहीं देखने को मिलेगा, थोड़ी सी मुनाफा वसूली यहाँ पर देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, तो जैसे आप कह रहे हैं कि मुनाफा वसूली देखने को मिल सकती है, तो इसके लिए हमारे किसान किस तरह के कदम उठाएं? जहां तक किसान भाई बहनों की बात है, अगर आपके पास मूंग का स्टॉक है तो थोड़ा रुक कर मंडी का रुख करें। आने वाले 20 से 25 दिनों के बाद मंडी का रुख करेंगे तो थोड़ी सी तेजी 3-4% की देखने को मिलेगी, लेकिन अगर आपको अगली फसल की तैयारी करनी है, जरूरत है, तो आप अपना स्टॉक यहां पर निकाल सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा बढ़ोतरी के हालात अभी नहीं दिखाई देते।
बिल्कुल, तो क्या करना है हमारे मूंग के किसानों को, अभी आपने जान लिया। फिलहाल बढ़ते हैं आगे, सेब के जो बाजार भाव हैं अलग अलग मंडियों में किस स्तर पर बने हुए हैं इसकी जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी का हाल आपको बताएं, सेब का जो बाजार भाव है 12,000 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। वहीं पंजाब की गढ़शंकर मंडी का जिक्र करें तो सौदे हुए 9,000 रुपए प्रति क्विंटल पर। इसके साथ ही बता दें उत्तर प्रदेश की हाथरस मंडी का हाल, तो यहाँ पर सौदे 8,750 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। और यहीं की लखीमपुर मंडी का जिक्र किया जाए तो बताएं आपको 9,650 रुपए पर यहां पर सेब की बिकवाली हुई। तो अभी आपने जाना सेब के बाजार भाव का हाल, इसी की तरह केले के बाजार भाव की जानकारी अब आप तक पहुंचाते हैं। हिमाचल प्रदेश की सोलन मंडी का जिक्र करेंगे, केले का जो बाजार भाव है 2100 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। वहीं केरल की हरिपाड़ मंडी की अगर हम बात करते हैं तो बता दें यहां पर भाव जो है 5,000 रुपए प्रति क्विंटल रहा। वहीं पंजाब की दौराहा मंडी में सौदे 3,000 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में भाव 2,560 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। तो जाना अलग अलग मंडियों में केले की जो बिकवाली है किस स्तर पर हो रही है। अब बारी आती है आम के बाजार भाव का हाल जानने की। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी की बात करेंगे, आम का बाजार भाव रहा 3,750 रुपए प्रति क्विंटल। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में भाव रहा 2,500 रुपए प्रति क्विंटल। और यहीं की अगर हम नाभा मंडी की बात करते हैं तो बता दें यहां पर सौदे हुए 2,200 रुपए प्रति क्विंटल पर। उत्तर प्रदेश की लालगंज मंडी का जिक्र किया जाए तो यहां पर बिकवाली 1,400 रुपए प्रति क्विंटल पर दर्ज की गई। ये जो हमने आपको सेब केले और आम के बाजार भाव की जानकारी दी है, बता दें ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। तो आपने जाना इनके बाजार भाव का हाल, इसी के साथ बताएं वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी मोटे अनाज की, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। कहां होगी बारिश, किस जगह पड़ेगी बर्फ, कहां रहेगा कोहरा, कैसा रहेगा तापमान, पर्यटन स्थलों पर क्या रहेगी मौसम की स्थिति, जानने के लिए देखिए मौसम खबर रोजाना शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। बुलेटिन के इस हिस्से में हम जानेंगे बाजरे और ज्वार के बाजार के बारे में, लेकिन पहले बात करते हैं जौ के बाजार की। बताएं आपको कि कृषि उपज मंडियों में बुधवार को जौ की आवक बिल्कुल सामान्य सी दर्ज की गई। बात हम इसके हाजिर भाव की करते हैं तो एगमार्क नेट के अनुसार राजस्थान की जो जयपुर मंडी है यहाँ पर जौ के सौदे 1,647 रुपए प्रति क्विंटल पर दर्ज किए गए। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मंडी का जिक्र किया जाए, जौ का बाजार भाव 2,230 रुपए प्रति क्विंटल रहा। उत्तर प्रदेश की ही मुजफ्फरनगर मंडी में जौ का भाव 2,240 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। और राज्य की ही सहारनपुर मंडी की बात करें तो इस दौरान जौ की जो बिकवाली है 2,240 रुपए प्रति क्विंटल पर दर्ज की गई। ये जो बाजार भाव हमने आपको बताए ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। अब बात पैदावार की, तो जौ की जो पैदावार है घरेलू स्तर पर इस साल इसमें बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान रबी जौ की जो पैदावार है 16,85,000 टन होने का अनुमान है, जबकि 2021-22 के दौरान इसकी जो उपज है 13,71,000 टन की रही थी। यानी कि इस साल रबी जौ की पैदावार 3,14,000 टन ज्यादा हो सकती है। तो पैदावार में बढ़ोतरी हो रही है तो किस तरह का प्रभाव पड़ेगा बाजार भाव पर, जानकारी ले लेते हैं। कमोडिटी एक्सपर्ट लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रवि जी, जौ को लेकर क्या कहेंगे आप? जौ के दामों में यहाँ पर एक सीमित दायरा बना हुआ है जी। खास तौर से मंडियों की बात करें तो उत्तर प्रदेश, MP, इन सभी मंडियों में जौ के दाम सामान्य बने हुए हैं।
लंबे समय में थोड़ी सी तेजी का माहौल बन सकता है, खासतौर से सितंबर अक्टूबर तक 3-5% की तेजी की उम्मीद और दिसंबर तक 10% की तेजी की उम्मीद की जा सकती है। बिल्कुल, तो ऐसे में हमारे किसान क्या कर सकते हैं जिनसे उन्हें फायदा मिल सके? किसान भाई बहनों के पास अगर स्टॉक है तो मंडी का रुख करने से पहले थोड़ा सा रुके और सितंबर के फर्स्ट वीक या फिर अक्टूबर के फर्स्ट वीक में मंडी का रुख करें तो थोड़ा तेजी का माहौल जो है वो 3 महीनों में बना रहेगा और आप उस समय अपना स्टॉक निकालेंगे तो आपको बेहतर फायदा यहाँ पर मिल सकता है। बिल्कुल, तो थोड़ा सा इंतजार करके चलते हैं तो आगे आने वाली तेजी का फायदा उठा सकते हैं हमारे चौके किसान। इसके साथ आइए बढ़ते हैं आगे, अब बात करते हैं बाजरा के बाजार की। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में बाजरे की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव पर नजर डालते हैं तो बुधवार को एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की जो राजकोट मंडी है यहाँ पर बाजरे का बाजार भाव 2,000 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। यहीं की जम्बूसर मंडी में इस दौरान बाजरे के सौदे 2,200 रुपए प्रति क्विंटल पर दर्ज किए गए। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मंडी में बाजरे की जो बिकवाली है 2,160 रुपए प्रति क्विंटल पर हुई और राजस्थान की जयपुर मंडी में इसका जो बाजार भाव है 1,941 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। ये सभी बाजार भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। इस साल खरीफ बाजरे की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान खरीफ बाजरे की पैदावार 1,11,66,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि अगर हम बात करते हैं 2021-22 की तो इस दौरान इसकी जो उपज है 97,81,000 टन रही थी, यानी कि इस साल खरीफ बाजरे की पैदावार 13,85,000 टन ज्यादा हो सकती है। इसी तरह कुल मोटे अनाज की अगर हम बात करते हैं तो इसकी उपज में भी खासी बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक 2022-23 के दौरान मोटे अनाज की पैदावार 547,48,000 टन के पार जा सकती है, जबकि अगर हम बीते साल की बात करते हैं, समान अवधि की बात करते हैं तो इस दौरान मोटे अनाज की उपज 511,01,000 टन रही थी। तो बाजरे का हाल आपने जाना, पैदावार अच्छी रह सकती है। वहीं अगर हम गरम कुल मोटे अनाज की उपज की बात करते हैं तो इस बार भी यहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अगर हम बढ़ते हैं आगे तो देखते हैं बाजरे के बाजार के बारे में किस तरह से आगे की परिस्थितियाँ रह सकती हैं। डॉक्टर रवि, क्या कहेंगे आप अगर हम बाजरे की बात करते हैं तो किस तरह का माहौल रह सकता है? बाजरे के दामों में हाल फिलहाल में थोड़ी सी गिरावट का ट्रेंड देखने को मिला, लेकिन अब बीते 2 हफ्तों से थोड़ी सी तेजी का माहौल बनता जा रहा है। खास तौर से यहाँ पर मंडियों में अगर देखते हैं स्टेट वाइज तो डिमांड अब थोड़ी सी निकल कर देखने को मिल रही है जी। अभी दामों में स्थिरता का दौर रहेगा, आने वाले 1-2 महीने में दाम लगभग यहीं पर बने रहेंगे, लेकिन अक्टूबर और नवम्बर के महीने तक इसके दामों में 8-10% की तेजी का माहौल बन सकता है। आगे डिमांड भी यहाँ पर निकल कर देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, तो ऐसे में हमारे किसान जिनके पास स्टॉक रखा है उनको क्या आप कहेंगे? जिन किसान भाई बहनों के पास इस समय बाजरे का स्टॉक है उन्हें थोड़ा सा रुक कर मंडी का रुख करना चाहिए, क्योंकि आगे आने वाले समय में यहाँ पर अभी दाम थोड़े से बढ़ने की संभावना है। तो आप अगर सितंबर और अक्टूबर तक रुख करते हैं तो आपको यहाँ पर बेहतर फायदा मिल सकता है। बिल्कुल, बेहतर फायदा मिल सकता है हमारे बाजरे के किसानों को, थोड़ा सा इंतजार करके चल सकते हैं। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे और बाजरे के बाद अब आपको बताते हैं हम ज्वार के बाजार का हाल। बताएं, कृषि उपज मंडियों में बुधवार को ज्वार की आवक बिल्कुल सामान्य सी दर्ज की गई। भाव की बात करते हैं तो एगमार्क नेट के मुताबिक 12 जुलाई को गुजरात की जो राजकोट मंडी है ज्वार का जो बाजार भाव है 4,800 रुपए प्रति क्विंटल यहाँ दर्ज किया गया है, जबकि राज्य की जम्बूसर मंडी का जिक्र किया जाए 2,500 रुपए प्रति क्विंटल पर यहां इसकी बिकवाली हुई है। गुजरात की ही धोराजी मंडी में ज्वार का बाजार भाव 4,280 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया, जबकि बता दें आपको हम राज्य की बक्सरा मंडी का हाल तो ज्वार की बिकवाली 4,375 रुपए प्रति क्विंटल पर हुई। ये जो सभी बाजार भाव हम आपको बता रहे हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। बताएं आपको कि इस साल ज्वार की पैदावार में कमी का अनुमान है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान घरेलू स्तर पर जो पैदावार है इसकी 39,90,000 टन रह सकती है, जबकि बीते साल की बात की जाए तो यह आंकड़ा 41,51,000 टन रहा था।
तो अभी आपने ज्वार के बाजार का हाल जाना, इस बार पैदावार में कमी का अनुमान है, तो आगे माहौल किस तरह से रह सकता है अभी आपने जानने के लिए एक बार फिर रुक कर लेते हैं हम कमोडिटी एक्सपर्ट रवि जी का। तो रवि जी क्या कहेंगे ज्वार के बाजार को लेकर आप? ज्वार के मंडी में इस समय दाम काफी हद तक एक सीमित दायरे में देखने को मिल रहे हैं, आवक सामान्य बनी हुई है, किसान भाई बहनों के लिए भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा अभी भाव बढ़ने की उम्मीद नहीं है। आने वाले समय में खास तौर से 2 से 3 महीने में अभी ज्वार के दाम एक सीमित दायरे में बने रहेंगे। बिल्कुल, तो सीमित दायरा बना रहेगा, तो ऐसे में किसान क्या कर सकते हैं, क्या कहेंगे आप? अगर किसान भाई बहनों के पास यहाँ पर स्टॉक है तो उन्हें मंडी का रुख करना चाहिए, क्योंकि अभी लंबे समय में भी बहुत ज़्यादा ज्वार के दाम बढ़ेंगे नहीं। और अगर आपके पास स्टॉक है तो रोकने का भी फायदा नहीं है, खर्चा आपका बढ़ सकता है, तो आप मंडी का रुख करके अपना ज्वार का स्टॉक यहां पर निकाल सकते हैं। तो बिल्कुल, कमोडिटी एक्सपर्ट की यही सलाह है, मंडियों का रुख करके चले हमारे ज्वार के किसान। इसके साथ बताएं आपको, वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आगे जानेंगे हम ग्वार का हाल, बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। हर दिन एक नया गांव। आज कोलपुर गांव से बात कर रहे हैं, तो मौजूद है जिला टिहरी गढ़वाल में, पाकिस्तान के बिल्कुल बॉर्डर से आज की चर्चा दिखा रहे हैं, एक नई चौपाल, चौपाल पर लेकर चलेंगे, हम चौपाल चर्चा में पहुंच गए हैं, और एक नई चर्चा किसान क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में, मत्स्य पालन पर बात करने वाले हैं, किसान खुद गिनाएंगे योजनाओं के फायदे, पहले के मुकाबले खेती में आमदनी बढ़ेगी, पहले के मुकाबले आमदनी दुगुनी तिगुनी हो गई, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से लाभ मिल रहा है, इसे बहुत लाभ मिला है। कि प्रधानमंत्री जी की ये जो बनाई हुई योजना है ये कैसी है? किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है, मैं भी खुश हूँ। देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत। अब बात करते हैं ग्वार के बाजार की। बताएं आपको, कृषि उपज मंडियों में इन दिनों ग्वार की आवक बिल्कुल सीमित बनी हुई है। बाजार भाव की बात करते हैं तो जानकारी दें आपको कि एगमार्क नेट के मुताबिक 12 जुलाई को गुजरात की जो हलवद मंडी है, ग्वार का जो बाजार भाव है 5,300 रुपए प्रति क्विंटल यहाँ दर्ज किया गया है। राजस्थान की बाड़मेर मंडी में इस दौरान ग्वार के सौदे 5,300 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए हैं। राज्य की जयपुर मंडी का जिक्र किया जाए, ग्वार का बाजार भाव 5,003 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया है। बाजार भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। निर्यात पर अगर नजर डालते हैं तो बताएं आपको, भारत विश्व स्तर पर ग्वार गम का प्रमुख निर्यातक है। देश में बड़ी मात्रा में दूसरे देशों को ग्वार उत्पादों के विभिन्न रूपों का निर्यात किया जाता है। भारत हर साल कुल ग्वार गम की उपज का करीब 90% निर्यात कर देता है। एपेटा के मुताबिक साल 2022-23 में अप्रैल से फरवरी महीने के दौरान ग्वार गम के निर्यात खासी बढ़त देखने को मिली है। बीते 11 महीने के दौरान ग्वारगम का जो निर्यात है, बता दें आपको, 3,76,000 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान ग्वारगम का जो निर्यात है 2,95,946 टन का हुआ था। यानी कि साल 2022-23 में अप्रैल से फरवरी के दौरान ग्वारगम के निर्यात में 80,168 टन तक की बढ़ोतरी हुई है। तो अभी आपने जाना ग्वार के बाजार का हाल, निर्यात अच्छा बना हुआ है, तो ऐसे में हमारे किसान जो है मंडियों में निगरानी बनाकर चल सकते हैं, और साथ ही साथ जहां आपको अच्छे दाम नजर आते हैं आप बिकवाली करके चल सकते हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, और अब ग्वार के बाद हम आपको जानकारी देते हैं बैंगन के बाजार भाव की। बताएंगे आपको हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी का हाल। बैंगन का जो बाजार भाव है 1,650 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया है। वहीं अगर हम पंजाब की गढ़शंकर मंडी का जिक्र किया जाए, 1,000 रुपए प्रति क्विंटल यहाँ पर इसके सौदे हुए हैं। राजस्थान की जालौर मंडी में 1,300 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया है, जबकि उत्तर प्रदेश की हाथरस मंडी में भाव 1,860 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया है। बैंगन के बाजार भाव का हाल आपने जाना। बढ़ते हैं आगे, नींबू के बाजार भाव की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। गुजरात की राजकोट मंडी में नींबू का जो बाजार भाव है 2,125 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया है। पंजाब की दौराहा मंडी में भाव 4,000 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। वहीं राजस्थान की जालौर मंडी का जिक्र किया जाए तो 3,800 रुपए प्रति क्विंटल यहां पर
पर इसका बाजार भाव रहा। उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में सौदे 4,750 रुपए प्रति क्विंटल पर दर्ज किए गए। तो नींबू के बाजार भाव का हाल भी आपने जान लिया। बढ़ते हैं आगे और काशी फल की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। गुजरात की सूरत मंडी में काशी फल का भाव 1,550 रुपए प्रति क्विंटल रहा। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में भाव 1,200 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया, जबकि हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में भाव जो है 1,250 रुपए प्रति क्विंटल पर दर्ज किया गया। वहीं अगर हम उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी का जिक्र करते हैं तो सौदे 1,690 रुपए प्रति क्विंटल पर दर्ज किए गए। तो अभी आपने जाना बैंगन, नींबू और काशीफल के बाजार भाव का हाल। और इसी के साथ बताएं आपको आज की मंडी खबर में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते हमारे विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े थे, कमोडिटी एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। रवि जी, आप हमारे साथ जुड़े, अहम जानकारियां आपने साझा की। इसी के साथ किसान भाइयों बहनों, उम्मीद करते हैं कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से ज़रूर मदद मिल रही होगी। एक विशेष जानकारी और है आपके लिए, टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को आप स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुँचेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर, मंडियों का हाल जान सकते हैं आप मंडी खबर के साथ। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन के साथ पर। नमस्कार।